सलाम नमस्ते, मेरा नाम कुणाल कपूर है, मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ। तो संदीप भाई का और विवेक सर का, उल्टा बोल दिया, विवेक भाई का और संदीप सर का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें ये मंच मिला। तो शुरुआत करना चाहूँगा, खुद के लिए कुछ लिखा है कि मैं खुद को ही नुकसान पहुँचाता हूँ और खुद का ही हाफिज़ हूँ। हाफिज़ मतलब प्रोटेक्टर, रक्षक। कि मैं खुद को ही नुकसान पहुँचाता हूँ और खुद का ही हाफिज़ हूँ, तुम जितना सोचते हो उससे ज़्यादा बुरी चीज़ हूँ। और ठीक है मैं खुद को ही नुकसान पहुंचाता हूं और खुद का ही हाफिज हूं, तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा बुरी चीज हूं, और जान मैं सिर्फ शायर अच्छा हूं, इंसान तो मैं बदतमीज हूं। ये भी खुद के लिए है कि न जाने तुम्हें इश्क भी है या नहीं, मगर दिखावे की मोहब्बत सच्ची कर लेते हो। न जाने तुम्हें इश्क भी है या नहीं, मगर दिखावे की मोहब्बत सच्ची कर लेते हो। दिल के बहुत बुरे हो तुम कुणाल, मगर बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। तो ठीक है, एक और है कि ये सुनना, मैंने उम्र से ज़्यादा कुछ बड़ा शेर लिख दिया, यकीन नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता था हमारे रिश्ते का अंत ऐसा होगा, कोने में खड़ा सोच रहा हूँ जब तू किसी और का होगा वो वक्त कैसा होगा। एक काम करना, मुझे मेरी मोहब्बत का इनाम देना, जान अपने बेटे को मेरा नाम देना। शुक्रिया शुक्रिया। कि एक काम करना, मुझे मेरी मोहब्बत का इनाम देना, जान अपने बेटे को मेरा नाम देना। मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा, मैं रोऊंगा और तुम सबके सामने मुस्कुराओगे, और एक वादा करो मुझसे, अपनी डोली के बाद तुम मेरे जनाजे में आओगे। कि अच्छा एक बात बता, बातों में कभी मेरी बात नहीं आई, जैसे रोती थी मेरे लिए तकिए को गले लगाकर, कभी वो रात नहीं आई। क्या मैं ही गमों का जनाजा लेके घूम रहा था, तेरे हिस्से में दुखों की बारात नहीं आई। अच्छा ये बता, फिर कभी मेरी याद नहीं आई। तो ये एक बातचीत है जो उसके जाने के बाद मैंने खुद से करी है, सभी करते हैं खुद से बातचीत की। चल छोड़ अब ये सोच क्या करना है, गौर कीजिएगा कि चल छोड़ अब ये सोच क्या करना है, उसके बिन जीना है या उसके पीछे मरना है। अब वो जा चुकी है तो लौट कर नहीं आएगी, नफरत करती है मुझसे कि मेरी मौत पर नहीं आएगी। कि अब क्या करूं, उसका इंतज़ार करूं या किसी और से प्यार करूं। कि अब क्या करूं, उसका इंतज़ार करूं या किसी और से प्यार करूं। समझ नहीं आ रहा ये मैं क्या से क्या हो रहा हूं, क्यों उसके लिए तबाह हो रहा हूं। ऐसा लग रहा है अकेला पड़ गया हूं मैं, या फिर शायद अंदर से मर गया हूं मैं। चाहता हूं कोई समझाए मुझे, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड के लिए की। चाहता हूं कोई समझाए मुझे या फिर कोई अपना बनाए मुझे। चल एक काम करता हूं, खुद में मशरूफ रहता हूं, उससे उसकी यादों से और उसके जैसों से दूर रहता हूं। शुक्रिया यार। सच बताऊं तो उसकी याद आ रही है, जब कोई आशिक मर जाता है शायद नज़दीक वो रात आ रही है। अब मैं किसी और के साथ नहीं खुल पाऊंगा, शायद उसे भूल जाऊं या शायद नहीं भूल पाऊंगा। शुक्रिया शुक्रिया। के कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने बीत गए हैं, तो सुनिएगा कि अब मेरे हिस्से में दुखों की बारात नहीं आती, और अच्छा हूं क्योंकि तुम्हारी याद नहीं आती। कि अब सब अलग लगता है, मैं बदल गया, मेरी सोच भी बदल गई। जो पढ़ा था प्यार के बारे में, अब सब वो मेरे लिए झूठी कहानी हो गई। मैं किसी और का, तुम किसी और की दीवानी हो गई। ये फूल, ये खत, ये तोहफे हमारे प्यार की आखिरी निशानी हो गई। और एक समय पे मोहब्बत थी तुमसे, चलो छोड़ो अब तो ये बात भी पुरानी हो गई। ये मेरा आखिरी शेर है कि मुझे शेर लिखने में दिक्कत आ रही है, मेरी दिक्कतें सुन तू परेशान हो जाएगा। कि मुझे शेर लिखने में दिक्कतें आ रही है, मेरी दिक्कतें सुन तू परेशान हो जाएगा। धोखेबाज से मिलता जुलता शब्द नहीं मिल रहा, तेरा नाम लिख दो मेरा काम हो जाएगा। कि धोखेबाज से मिलता जुलता शब्द नहीं मिल रहा, तेरा नाम लिख दो मेरा काम हो जाएगा। और लोग वाह वाह करेंगे शेर को सुन के, करिए। और लोग वाह वाह करेंगे शेर को सुन के, लेकिन इस महफिल में मैं मशहूर और तू बदनाम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।